तमाम हमारे स्टॉल लगे हुए हैं आशा बहुए का और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का और पशुपालन विभाग बेसिक शिक्षा विभाग सारे विभागों को इस मंच के माध्यम से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रदान करता हूं। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज 30/12/2023 को ग्राम पंचायत खरेसर में प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा का आगमन हुआ है। आज हमारे बीच तमाम ऐसे दर्शक उपस्थित हैं जिन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में हमारे अभी संतोष पटेल जी के माध्यम से सुना। आज पुनः दोहराना चाहता हूँ कि ऐसे लाभार्थी जिनकी उम्र 60 साल हो गई हो वो अपना वृद्धा पेंशन का आवेदन करके हमारे नजदीकी ग्राम प्रधान के कार्यालय में जमा करेंगे, उनको 1,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारी माताएं बहने बैठी हैं जो विधवा हैं, उनको विधवा पेंशन 1,000 रुपया हमारी भारत सरकार दे रही है। आप लोग विधवा पेंशन का आवेदन करके प्रधान जी से संपर्क कर सकते हैं और आपको पुनः उसी दिन से मिलना चालू हो जाएगा। और मैं एक बार पूरा इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे सहज केंद्र बाजार के शैलेश शर्मा जी आए हैं, आप इनसे भी संपर्क करके अपना आवेदन करा सकते हैं। वृद्धा, विकलांग, विधवा, तमाम पेंशन ऐसे ही है, ऐसे लाभार्थी जो वंचित है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हमारे बीच उपस्थित हमारे इस ग्राम पंचायत सहायक रूप में श्री हमारे नेहा यादव जी उपस्थित हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन मंदन। और अब मुख्य अतिथि जी के द्वारा सबसे पहले मालापन का काम शुरू करें। प्रधान जी, आप मुख्य अतिथि महोदय जी को अब हमारे मुख्य अतिथि को हमारे प्रधान जी माला पहना का स्वागत। आप ऐसे ही आते रहिए हमारे ग्राम सभाओं में और हमारे गरीब मजलूम किसानों की आवाजों को सुनते रहिए। आपका मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत अभिनंदन मंदन करता हूँ। और पूरा इसी क्रम में मैं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान जी से मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे अतिथि माननीय श्रीमती बिंदा सिंह कुशवाहा जी को आप माला पहन करके स्वागत करेंगे। और इस गांव की पंचायत सहायक क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? नेहा यादव। आप आकर के प्रमुख जी को तुम माला पहनाओ। आप ताली नहीं बजा रहे हैं, प्रमुख जी को आप माला पहनाइए जोरदार ताली। और प्रधान जी इधर आइए, आगे आगे ये मुन्ना भाई जो चौथी बार अपने गांव से प्रधान है इनको माला पहना करके स्वागत कीजिए। एक सिंधु भाई को एक बार कह रहे इनके माला पहना स्वागत करा 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 वीडियो साहब को एक बार कह रहे उनके माला पहना स्वागत करा 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 हमारे साहब को साहब है उनको माला पहना करके स्वागत कीजिए। उनके बगल में जो है उनको माला पहना करके स्वागत कीजिए। पप्पू तिवारी जी, पप्पू तिवारी जी आवे और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जयराम कुशवाहा भूपेन्द्र जी को आप माला पहना करके स्वागत करें। बाबने के आशीर्वाद मिलना जरूरी है। जोरदार ताली, प्रमुख जी को माला भेंट कर दीजिए। माला भेंट, जोरदार ताली। अब जारे का मौसम है, स्वागत को यहीं समाप्त किया जाता है। बच्चों का और छोटे बच्चों को बुलाया, छोटे बच्चों को। अब तू बैठ जा, अब तू बैठ जा, छोटे बच्चों वाला एक बार भारत माता की। और गाड़ी किस लिए आई है? मोदी जी स्वयं अभी हिंदुस्तान के सभी घरों को शौचालय देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना
से गरीबों को आवास देने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए सारे किसानों के खातों में एक साल में 3 बार 2,000 रुपया आता है और जब से ये योजना चालू हुई है हर किसान के खाते में 15वीं किस्त आ गया है, यानी सब किसानों को कितना मिला पूरे देश के, एक किसान को 30,000 रुपया मिला, आगे भी मिलता रहे। ये सारी योजनाएं जो संचालित है उन योजनाओं से कौन आदमी वंचित है, आवास नीचे बनो केकर, आयुष्मान कार्ड नीचे बनो केकर, राशन कार्ड नीचे बनो केकर, किसान सम्मान निधि नीचे मिलो आ केकर गैस के कनेक्शन नीचे मिलो, यही लोग के चिन्हित करे खाते। हर गांव में सरकार का अधिकारी हो जाता आ चूंकि इस सरकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा मोदी जी को नेता हमें तो उन लोगों के सहयोग में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता में भी गांव गांव जाता लोग के चिन्हित करता आ सबके सूची बना के ओके तैयार करके जो वंचित बा ओके जब लाभ मिल जाए तो मोदी जी को विकसित भारत बनाना है संकल्प लिए 2047 विकसित शब्द का अर्थ होता है कि जब स्वयं का विकास होगा जब सभी लोग मजबूत हो जाएंगे।